वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गुड न्यूज़। आज की इस वीडियो में आपके एंड्रॉइड फ़ोन के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल 10 बेस्ट एंड कमाल के नए नए एंड्रॉइड लॉन्चर लेकर आया हूँ। और भाई, ये सारे लॉन्चर्स ना एक से बढ़कर एक हैं, आपके होम स्क्रीन के सेटअप को ना एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँचा देगा, दूसरे के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना सकते हो। एंड आई नो कि ये जो कॉन्टेंट है ना, मेरे इस चैनल का टॉप रेटेड कॉन्टेंट है, तो वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरे एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, हमारे लिस्ट के नंबर वन पे जो एंड्रॉइड लॉन्चर एडेड है ना, उसका नाम है फ्यूचरिस्टिक लॉन्चर 2। और ये जो लॉन्चर है ना, बेसिकली आपके एंड्रॉइड फोन के होम स्क्रीन के सेटअप को पूरा पूरा फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिलेगा। और मैं पर्सनली ये जो लॉन्चर है ना, मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट एंड काफी ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा यूनिक लगा। और अगर आप यहाँ पर इस साइड स्लाइड करते हो ना, तो आपका ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके होम स्क्रीन पर ही बहुत सारे विजिट देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशंस एडेड रहेंगी। जैसे कि टॉप में आपको टाइमिंग विजिट देखने को मिल जाता है, उसके नीचे वेदर आपको देखने को मिलेगा आज का, और उसके नीचे आपको 3 दिन का वेदर इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे आपको कैलेंडर विजिट देखने को मिल जाता है जहां पर डेट एंड ईयर प्रोवाइडेड होती है। एंड उसके नीचे में आपको गूगल सर्च बार और सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ऐप ड्रॉअर का फीचर भी देखने को मिलेगा। और भाई, राइट साइड में आपको बैटरी लेवल देखने को मिल जाता है, आपके फोन का बैटरी अभी कितना परसेंट चार्ज है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करते हो, तो यहाँ पर इस लॉन्चर का कस्टमाइजेशन ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे कि थीम के कलर को चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर अपनी गैलरी से लगा सकते हो, आइकन पैक चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, जेस्चर का सेटिंग देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ हिडन एप्स एंड लॉक एप्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर से थीम कलर वाले ऑप्शन पर जाते हो ना, तो यहाँ पर से अपने हिसाब से थीम वगैरह सेट कर सकते हो, यानी कि कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और डे बाय डे अपना नया और फ्रेश लुक दे सकते हो। उसके अलावा वॉलपेपर का फीचर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वॉलपेपर चेंज कर सकते हो अपने मूड के अकॉर्डिंग। अब हमारा अगला जो एंड्रॉइड लॉन्चर होने वाला है ना, उसका नाम है हीरोइक लॉन्चर। और इस लॉन्चर को जैसे अपने फोन पर अप्लाई करते हो ना, तो आपके होम स्क्रीन के सेटअप को ना पूरा हीरो वाली लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि ये बैटमैन वाला सेटअप, ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा भी लगा। एंड यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आपको विजिट्स भी देखने को मिलेंगे, टाइमिंग विजिट, एंड यहाँ पर से डे विजिट, एंड यहाँ पर से डेट भी प्रोवाइड करती है, मंथ भी देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर से इस साइड स्लाइड करते हो ना, तो यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाता है। एंड उसके अलावा आपके होम स्क्रीन पर ही नीचे में 5 एप्लीकेशन यहाँ पर से एडेड रहेंगे। एंड उसके ऊपर में यहाँ पर गूगल सर्च बार देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको आपकी यूजफुल एप्लीकेशन एडेड रहेंगी। और अगर आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करते हो ना, तो यहाँ पर से भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पर से थीम चेंज कर सकते हो, विजिट क्रिएट कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, अपनी गैलरी से वॉलपेपर लगा सकते हो, आइकन पैक चेंज कर सकते हो, आइकन के सेटिंग्स कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर से थीम वाले ऑप्शन पर जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको थीम का बहुत सारे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्पाइडरमैन का है, बैटमैन का है, एंड यहाँ पर से लाइट एंड डार्क थीम देखने को मिल जाता है। सबसे नीचे जाओगे तो जोकर का एक थीम देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अपने मूड के अकॉर्डिंग ना अपना यहाँ पर से थीम को अप्लाई कर सकते हो, जस्ट टैप करना, अप्लाई करना, ये आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा एंड नया फ्रेश लुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स का कलेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर से वॉलपेपर्स को आप चेंज कर सकते हो। अब हमारे लिस्ट पर जो तीसरे नंबर पे लॉन्चर एडेड है ना, उसका नाम है AIO लॉन्चर। और ये लॉन्चर ना बेसिकली आपको एक डार्क थीम प्रोवाइड करती है, बट इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 और थीम्स देखने को मिलेंगे। और भाई, इस लॉन्चर का जो लुक है ना, पूरा डिजाइन है ना, पर्सनली बहुत ही ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर से इन्होंने काम किया हुआ है। नियॉन पर टैप करते हो तो नियॉन इफेक्ट में यहाँ पर से थीम अप्लाई हो जाता है, डार्क में ही रहेगी। अगर डार्क नियॉन आपको सही लगता है, तो इसे यूज कर सकते हो। कार्ड पर टैप करते हो ना, पूरा लाइट थीम यहाँ पर से अप्लाई हो जाती है, अगर जिसको लाइट थीम यहाँ पर से चाहिए नियॉन इफेक्ट में, तो ये भी काफी ज्यादा सही ऑप्शन है। बट अगर आपको मटेरियल यू वाली ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो यहाँ पर और भी डिफरेंट लुक देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ऊपर में आपको टाइमिंग विजिट देखने को मिल जाता है, एंड उसके नीचे में आपको डेट यहाँ पर से देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको वेदर विजिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे में कैलेंडर विजिट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर से स्टोरेज और बैटरी का फीचर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर से सारे एप्लीकेशन को पूरा इस तरह से स्लाइड स्लाइड करके इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना, तो जो एप्लीकेशन के आइकन्स होती है ना ओरिजिनल वाली, वो यहाँ पर से देखने को मिलेगी। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको लेटर वाली ये आइकन पैक चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो। अब हमारा अगला जो लॉन्चर होने वाला है ना, उसका नाम है स्ट्रिप लॉन्चर। और जैसे ही आप अपने एंड्रॉइड फोन में इस लॉन्चर को अप्लाई करते हो ना, तो एकदम नया और फ्रेश लुक देखने को मिलेगा, डिफरेंट लुक देखने को मिलेगा। एंड आपके होम स्क्रीन पर टोटल 12 एप्लीकेशन बीच में यहाँ पर से एडेड है, एंड यहाँ पर कुछ फोल्डर भी देखने को मिल जाती है। एंड उसके अलावा ऊपर में ही आपको टाइमिंग विजिट देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर से बैटरी लेवल भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी। पहला तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा ऐप ड्रॉअर का, एंड दूसरा जो देखने को मिलेगा होम का, एंड यहाँ पर डायल पैड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड उसके साथ साथ म्यूजिक वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस लॉन्चर का जो सेटिंग है ना, नीचे में ही आपको राइट साइड देखने को मिलेगा, उस पर आप टैप करते हो तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो थीम का कलर, यहाँ पर से वॉलपेपर, आइकन पैक, कीबोर्ड, फॉन्ट, जेस्चर्स का सेटिंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पर से एप्लीकेशन को हाइड
हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो एंड और भी बहुत कुछ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के फिफ्थ नंबर पे जो एंड्रॉइड लॉन्चर एडेड है ना, उसका नाम है AP15 लॉन्चर। और ये जो लॉन्चर है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर से आपको कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है ना लेटर्स वाली, ये सारे आपके एप्लीकेशन के नाम है। जो एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड है वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर से उसके लेटर के नाम से ही देखने को मिलेगा। जो भी एप्लीकेशन को आपको रन करनी हो, ओपन करनी हो, जस्ट उस पर टैप करो। जैसे कि कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्रोम है, क्लॉक है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर से जो भी एप्लीकेशन है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, गूगल मैप है, फोटोज है, प्ले स्टोर है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर से रन करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो उस एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ पर से ओपन कर सकते हो। अब हमारा अगला जो लॉन्चर होने वाला है ना, उसका नाम है टोटल लॉन्चर। और टोटल लॉन्चर का ये जो थीम है ना आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है ट्रेक। और ये जो थीम है ना पर्सनली मेरा फेवरेट है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, और काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिलेगा। और इस लॉन्चर में भी आपको कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने अप्लाई किया, जस्ट आपका अप्लाई हो चुका है एंड आपके होम स्क्रीन पर जो भी चीजें देखने को मिलेगी ना भाई, दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके फोन में क्या चल रही है। और उसके अलावा ऊपर में आपको सन देखने को मिल जाती है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर राइट साइड में आपका लोकेशन यहाँ पर से प्रोवाइडेड होगी, वेदर यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड इसके अलावा बीच में आपको यहाँ पर से टाइमिंग विजिट देखने को मिल जाता है, डे विजिट देखने को मिलेगा और डेट भी देखने को मिलेगी। और अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को रन करना हो ना, तो सिंपली जैसे कि ऊपर वाले ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो यहाँ पर आपका सोशल वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, क्रोम एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड बीच में भी आपको क्रोम एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर से आपका मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा दूसरा वाले ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो यहाँ पर आपका फोल्डर वगैरह देखने को मिल जाता है, गूगल देखने को मिलेगा, ट्रांसलेटर सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना मीडिया का, वहाँ पर से आप मीडिया वगैरह प्ले कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब है, एमएक्स प्लेयर है, मेरा पिक्सआर्ट है, स्पॉटिफाई वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और भाई अगर पर्सन वाली ऑप्शन पर टैप करता हूं ना, तो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं भाई, वो सारे यहाँ पर पर्सन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप इस लॉन्चर को यूज करते जाओगे ना, दिन ब दिन आपको सारे फीचर्स भी समझ में आ जाएंगे और काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो डेफिनेटली से एक बार इस लॉन्चर को अपने फोन में ट्राई करना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले लॉन्चर के बारे में, तो उसका नाम है स्ट्रिप हाईटेक लॉन्चर। और ये लॉन्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और जैसे ही अपने होम स्क्रीन पर लेफ्ट स्वाइप करते हो ना, तो यहाँ पर म्यूजिक वाली ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर से लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड अपने होम स्क्रीन पर राइट स्वाइप करोगे ना, तो यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाता है, जो काफी ज्यादा यूनिक है। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन एडेड रहेंगी, यहाँ पर से इन्हें यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर से विजिट देखने को मिलेगा, डे का एंड डेट का एंड मंथली यहाँ पर से शो करेगी। वाईफाई यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड एंड टाइमिंग विजिट देखने को मिल जाता है, बैटरी लेवल भी आपका देखने को मिल जाता है, बैटरी का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और कितना टेम्परेचर है आपका फोन का वो भी देखने को मिलेगा। और बीच में जो सर्कल टाइप का देखने को मिलेगा ना, ये बेसिकली इस लॉन्चर का एक सेटिंग है। जहां पर टैप करोगे तो इस लॉन्चर का सेटिंग में आप इंटर हो जाओगे, जहां पर से पूरी चीजें कस्टमाइजेबल होंगी। थीम का कलर चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, आइकन पैक, कीबोर्ड, फोन, जेस्चर सेटिंग्स, एप्लीकेशंस को हाइड एंड लॉक करना एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब हमारा अगला जो लॉन्चर होने वाला ना, उसका नाम है पिक्सेल लॉन्चर। बेसिकली अगर आपके पास बजट नहीं है पिक्सेल फोन यूज करना, तो भाई उसके लॉन्चर्स को आप ट्राई कर सकते हो। आपको होम स्क्रीन पर ही पिक्सेल की तरह नीचे में आपको गूगल सर्च बार देखने को मिल जाता है, जो ग्लोबली आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, वॉइस सर्च देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर लेंस स्कैनर देखने को मिल जाती है। और अगर आप अपने होम स्क्रीन पर ही टैप एंड होल्ड करोगे, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स का, विजिट्स का एंड होम सेटिंग्स का, जहाँ पर से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। और भाई इस लॉन्चर में ना बहुत सारे नेक्स्ट लेवल वाली थीम वगैरह देखने को मिल जाती है, जिसको डेफिनेटली से ट्राई करना। वॉलपेपर का भी फीचर देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर भी नेक्स्ट लेवल है, हाई क्वालिटी में, हाई रिजोल्यूशन में वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, जिसको ट्राई करके एक नया और फ्रेश लुक दे सकते हो, ठीक है। एंड विजिट का ऑप्शन पर टैप करते हो ना, तो यहाँ पर विजिट को क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके अलावा होम सेटिंग पर जाते हो ना, तो यहाँ पर इस लॉन्चर को जो कस्टमाइजेशन ओपन हो जाता है और यहाँ पर से एप्लीकेशन को हाइड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर से फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस तरह का फीचर देखने को मिल जाता है। डॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर से डॉक को इनेबल भी रख सकते हो, डिसेबल भी रख सकते हो। ग्लांस का भी फीचर देखने को मिल जाती है एंड और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो लॉन्चर होने वाला है ना, उसका नाम है कूल MI लॉन्चर। और जिसको भी अपने फोन में MI का लुक देना है भाई, ये लॉन्चर डेफिनेटली से ट्राई करना। और इस लॉन्चर का जो पूरा होम स्क्रीन का सेटअप है ना, पूरा MIUI की तरह ही देखने को मिलेगा, चाहे एप्लीकेशन के आइकन्स हो, वॉलपेपर्स हो, ऊपर में गूगल सर्च बार देखने को मिल जाता है, विजिट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर से टाइमिंग वगैरह प्रोवाइडेड होती है। अगर आप ये सर्च सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक क्लॉक का विजिट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से टाइमिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशन यहाँ पर से ऐड रहेंगे, ठीक है। एंड नीचे स्लाइड करते हो ना, यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाता है, जहाँ पर सारे एप्लीकेशन ऐड रहेंगी। इसके अलावा इस लॉन्चर पर अगर आप यहाँ पर से टैप एंड होल्ड करते हो ना, तो यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर से इस लॉन्चर का सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो का और इस लिस्ट का 10th एंड लास्ट एंड्रॉइड लॉन्चर के बारे में, तो उसका नाम है एक्सोस
लॉन्चर। जैसे ही अपने फोन में इसको अप्लाई करते हो ना, तो आपको होम स्क्रीन का सेटअप अपना पूरा सिंपल देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पर ही आपको एक छोटा सा टाइमिंग विजेट देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको डेट एंड मंथ यहाँ पर शो करेगी, डे भी प्रोवाइड करती है। नीचे में आपके डॉक में एप्लीकेशन यहाँ पर एडेड रहेंगे, एंड अगर आप नीचे स्लाइड करते हो ना, तो यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाता है, जहाँ पर सारे एप्लीकेशन एडेड रहेंगे। एंड जैसे टैप एंड होल्ड करोगे ना होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि वॉलपेपर यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से विजिट्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर थीम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टैप करो तो यहाँ पर से अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन को हाइड करना, डेस्कटॉप को यहाँ पर से इनेबल रखना, जेस्चर वगैरह फीचर देखने को मिल जाता है। ओके, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के एंड्रॉइड डिवाइस के लिए टोटल 10 बेस्ट एंड कमाल के नए एंड्रॉइड लॉन्चर्स बताएं। भाई कौन सा एंड्रॉइड लॉन्चर आपके होम स्क्रीन के सेटअप के लिए बेस्ट था, आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, यूजफुल लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियोस जरा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियोस जरा भी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करे हो, डेफिनेटली इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको ऐसे क्वालिटी वाले कंटेंट मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।